श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा बड़ी प्यारी है, जिसे कल्याण पत्रिका में मैंने पढ़ा और रमाकांत गोस्वामी जी ने लिखी है। ये है भगवान श्री कृष्ण और मधुमंगल का हास्य विनोद का एक प्रसंग। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अपनी बाल लीला अपने ग्वाल बालों गोपियों के साथ करते हैं। तो मथुरा में वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है केसी घाट। ये केसी घाट वृंदावन में यमुना नदी के नज़दीक है। यमुना तट पे आप जाओगे तो वहाँ पर एक केसी घाट है, एक केसी नाम का दैत्य है, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो चलिए वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते भगवान के एक सखा मधुमंगल ने कहा, अरे कृष्ण सुन भैया, देख तू मोर मुकुट लगाता है, सुंदर पीताम्बर धारण करता है, वंशी बजाता है, जिस कारण तेरी ग्वाल बाल गोपियां बड़ी सेवा करती हैं, रोज तुझे रसीले लड्डू खाने को देती हैं। तो एक काम कर, आज मोको कृष्ण बना दे, मुझे कृष्ण बना दे और मैं तेरी बांसुरी ले लूँगा, ये मोर मुकुट लगा लूँगा और पीताम्बर धारण कर लूँगा और फिर रसीले लड्डू खाने को मुझे मिलेंगे। अब देखिए कृष्ण मुस्कुराए, मुस्कुराने की जिनकी अदा है, और मुस्कुराकर भगवान कृष्ण ने अपना मोर मुकुट मधुमंगल को पहना दिया, पीताम्बर दे दिया और अपनी मुरली दे दी। अब तो कृष्ण का वेश धारण करने के बाद मधुमंगल ने सोचा कि भाई मैं तो कृष्ण बन गया हूँ, और इठलाता हुआ उस वन में घूम रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और वो अपने जोश में है कि मैं तो कृष्ण बन गया, आज तो रसीले लड्डू खाने को मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है, कंस ने कैशी नामक दैत्य को भेजा कि तू जा और कृष्ण का वध करके आ। और कृष्ण का रूप कैसा है, जिसने एक मोर मुकुट धारण किया है, सुंदर पीताम्बर है, गले में माला है और हाथ में मुरली है, तो उसका वध करके आ। अब कैशी दैत्य भयंकर घोड़े का रूप बना कर आया है और कृष्ण का वध करने के लिए गया। अब कृष्ण तो मधुमंगल बने हुए हैं, क्योंकि उसको तो रूप की पहचान है, उसने रूप देखा और वो कैशी नाम का दैत्य घोड़े के रूप में था, मधुमंगल को मारने के लिए दौड़ा जो कृष्ण बना हुआ है, और अपने पीछे वाले पैरों से लात मारी है, लेकिन कृष्ण दौड़ कर आए और मधुमंगल को बचा लिया। उसको बचाने के बाद कैशी नामक दैत्य का भगवान ने वध कर दिया। यहाँ तो मधुमंगल की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई कि कमाल हो गया, ये क्या हुआ, आज तो मरते मरते बचे हैं। तो घोड़े के पैर तो मधुमंगल को नहीं लगे, लेकिन उन पैरों की हवा इतनी तेज थी कि मधुमंगल के होश उड़ा दिए। अब तो मधुमंगल ने मुरली फेंकी, पीताम्बर छोड़ा, मोर मुकुट दिया और कहा, ले कृष्ण, मुझे नहीं पता था कृष्ण बनना इतना मुश्किल है, मैंने तो सोचा था रसीले लड्डू खाऊंगा, जान बची तो लाखों पाए, लड्डू छोड़े भैया, हमें लड्डू वड्डू नहीं चाहिए, हमें लड्डू नहीं खाने हैं। और वो पूरा का पूरा वेश कृष्ण को वापस दिया। यहाँ पर सब ग्वाल बाल और कृष्ण बड़े जोर से खिलखिलाकर हंसे हैं और मुस्कुराए हैं। आज भी केसी घाट पर इस लीला को संजोया हुआ है। आप कभी कैसी घाट जाओ यमुना नदी पर, तो जरूर आपको ये लीला सुनने को मिलेगी। वहाँ भगवान ने कैशी नामक दैत्य का वध किया था। तो ये कथा मेरे को पढ़ने को मिली, बड़ी ही रस भरी आनंद भरी कथा थी, हास्य विनोद की कथा थी, क्योंकि कृष्ण के जितने भी बाल लीलाएं हैं वो सुनकर ही हमें आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, और कहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये कथा मैं आपके लिए लाया, आगे भी ऐसी कथा लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम,
जय जय श्री राधे।